जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। मैंने आपको फोन किया था। जी हाँ, कैसे याद किया धनराज जी? हम हमारी बेटी अगवा हो गई है सैम साहब। ये कब और कैसे हुआ? पता नहीं, वो तो अच्छी वाली नीचे बिल्डिंग में खेलने गई थी, पता नहीं क्या हुआ, शाम को वापस ही नहीं आई, तो हम लोग एकदम परेशान हो गए, सब तरफ ढूंढा लेकिन वो नहीं आई। बाद में अपने नौकर रमेश को भी भेजा देखने के लिए, लेकिन उसको भी नहीं मिली सैम साहब। हम लोग एकदम परेशान हो गए, सब तरफ ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाद एक फोन आया सैम साहब, उन्होंने 10 लाख रुपए रैंसम मांगे। हम उन्हें रैंसम दे देंगे सैम साहब, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। हाँ हाँ, इत्मीनान रखिए सैम साहब। देखिए क्या अनर्थ हो गया, आपको बच्ची को ढूंढ निकालना होगा। मिस्टर रवि कौशल, आप यहाँ भी? हैंग ऑन, मुझे बताएंगे इससे हो क्या रहा है? मिस्टर रवि कौशल, जहाँ भी कत्ल होता है, जहाँ भी चोरी होती है, जहाँ भी किडनैपिंग होती है, आप वहाँ पहले से पहुँच जाते हैं, क्यों? आपके कहने का मतलब क्या है? यू नो इट वेरी वेल मिस्टर रवि कौशल, मेरा कहने का मतलब है कि इन सब के पीछे आप ही का हाथ तो नहीं है, इस किडनैपिंग के पीछे भी? इस किडनैपिंग के पीछे? जी हाँ। आपका कहने का मतलब है कि मैं अपनी बहन की बेटी, अपनी भांजी को किडनैप करूंगा? सॉरी, रिलैक्स प्लीज। नो, ये फोन मैं उठाऊंगा। धनराज, 10 लाख रुपए लेकर वर्ड आइलैंड में शाम के 4:30 बजे पहुंच जाओ, वरना बच्ची को। किसका था? वही था, 10 लाख रुपए मांगे हैं, वक्त दिया है और जगह बताई। मालिक, पैसे दे दीजिए, बच्ची को अपनी बचा लीजिए मालिक, कैसे भी करके। हम रुपए देने को तैयार हैं सैम साहब, हमारी बच्ची को बचा लीजिए। ठीक है, बात तो गलत है, लेकिन इसके सिवाय इस वक्त और कोई चारा नहीं। आप रुपए का इंतजाम कीजिए, लेकिन पैसे लेकर आप नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। लेकिन हमारी बच्ची? आपकी बच्ची आ जाएगी महफूज। बेटी, हम तुम्हें ले ले आए हैं। बचाओ! ए,
छोड़ दो। देखो मैं रुपए लाया हूँ, पूरे 10 लाख रुपए हैं जैसे तुमने मांगे थे। बैग लाओ, बच्ची ले जाओ। बैग हम नहीं देंगे, तुम बच्ची को ऊपर लेकर आओ। बच्ची को छोड़ दो, गोली मार दूंगा। गोली नहीं। पैसे पहले, बच्ची बाद में। नहीं, पैसे हम नहीं देंगे। तुम धोखा देगे तो? धोखा नहीं देंगे, नीचे आओ। अच्छा ऐसा करो, हम पैसे यहाँ छोड़ देते हैं और नीचे आते हैं, बच्ची को लेंगे, तुम ऊपर आके पैसे ले लो, मंजूर है? ठीक है, चलो। अरे क्या करती है, रोकना, अंकल बोले ना पैसे दे रहे हैं, रोकना। अरे छोड़ो। सुनीता कहाँ हो? बच्चे को ऊपर क्यों ले गए? इसे हमें दो। बच्चे चाहिए तुम्हें? ए, क्या कर रहे हो? ये लो सुनीता। सुनीता देखो बेटे, आंखें खोलो। सुनीता देखो बेटे। हाँ, अरे ओ, देखो बेटा हम आपके घर आ गए। मम्मी पापा। बेटा मेरी लाडली, मेरी बच्ची, कहाँ थी तू? हाँ, कैसी है मेरी बच्ची? थैंक यू वेरी मच सैम साहब, आपने हमारी बच्ची को बचा लिया। देखिए आपका 10 लाख रैंसम हम दे तो आए हैं, लेकिन उसको वापस लाएंगे, और याद रखिए इन बदमाशों को हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सैम साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटे, ये काली टोपी और काले चश्मे वाले अंकल जाए अब? नहीं अंकल, थोड़ा चाय पी के जाओ ना। अच्छा चाय तो नहीं पियेंगे, लेकिन आपके साथ थोड़ी गपशप मारेंगे, ठीक है? हाँ। और आप हमारी गोदी में आएंगे, इसे ले लो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अच्छा अब अंकल को ये बताओ कि जिस घर में आपको इन बदमाशों ने रखा था वो घर कैसा था? एकदम छोटा सा था। छोटा सा था, और आपको कमरे में बंद करके रखा था? हाँ। कमरे में खिड़कियां थी? एक बंद एक खुली। अच्छा जो खुली खिड़की थी उसमें क्या नजर आता था? दूसरे मकान? नहीं, एक बड़ा सा पहाड़ नजर आता था, और पहाड़ के पीछे बहुत देर का सूरज निकलता था। ईस्ट, देर से सूरज निकलता था। और जो बंद खिड़की थी उसमें से तो आपको कुछ नजर आता ही नहीं होगा? नहीं, आता तो है। कैसे? उसके पीछे होल थे। होल थे, और क्या नजर आता था? लाइट आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। और कुछ सुनाई देता था? हाँ। क्या? समुद्र आता था रात को, शाय शाय करके चला जाता था सुबह। समुद्र आता था, लाइट हाउस। यस। अच्छा वो आपको कुछ खाने पीने को देते थे कि नहीं? दूध वूध पिलाते थे कि नहीं वो बदमाश? नहीं, दूध तो नहीं। हाँ उधर भैंस तो थे, तो भी दूध नहीं पिलाते थे। भैंस थी? तेरी आपने देखी? देखी तो नहीं मगर सुनी है। पता वो कैसे चिल्लाती है? कैसे चिल्लाती है? बे बे करके चिल्लाती है, भों भों। तो तबेले होंगे वहाँ। बहुत प्यारी बच्ची। अच्छा बेटे हम जाएं। बाय बाय अंकल। बाय बाय। आप अपनी मम्मी के पास जाएंगे कि पापा के पास? मम्मी के पास। ये लीजिए। ईस्ट में पहाड़, वेस्ट में समंदर, लाइट हाउस, कोई वीरान सा घर होना चाहिए किसी कबीले के पास। मड आइलैंड्स चलो। भिंडे देखो, गौर से देखो, ये एक ऐसी जगह है जिसके एक तरफ पहाड़ी है और दूसरी तरफ समंदर, और वो देखते हो वो लाइट हाउस भी है। बस एक तबेला अगर मिल जाए इसके आसपास तो घर उसके पास ही होगा। चलो ढूंढते हैं। चलिए। क्या हुआ साम? सुनो भैंस, भैंस की आवाज। साम देखो, ये देखो भैंस का तबेला। भिंडे इसके पास तो सिर्फ यही एक बंगला है। हाँ सैम, और तो कोई नजर नहीं आता। लेट्स गो।
रूपी दिखना स्विच होगा यहाँ कहीं। यहाँ नहीं है सर। यहाँ है। बेडरूम लगता है। गोपी, बच्ची ने क्या कहा था कि कमरे में दो खिड़कियां हैं, एक खुली, खुली खिड़की में से क्या नजर आता था? पहाड़। पहाड़। बंद खिड़की, उसमें से लाइट आती थी जाती थी, और समंदर आता था शां शां करके चला जाता था। सुनो। यस। यही वो कमरा है जहां वो कैद थी। बाकी चेक करते हैं चलके। चलो। इधर देखिए, किचन, बाथरूम, अलमारी खोल के देखें क्या है इसमें। ये वो बैग नहीं जिसमें 10 लाख रुपए लेकर हम आए थे बच्चे को बचाने? वही। नौ लाख का हार। ये ज्वेलरी, ये रुपए, मतलब जितनी चोरियां हो रही थी सारा माल यही है। क्या बात, आप तो मुझे नौलखार बेचने वाले थे। कोई अंदर है शायद? हाँ, कोई अंदर है। एंड यू आर अंडर अरेस्ट। कौन? पुलिस, यू आर अंडर अरेस्ट। बख्शी साहब, जरा यहां तशरीफ लाएंगे प्लीज। कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, फिर भी जरा इसे पहचानिए, ये टियरा आपकी पत्नी का था? जी जी हाँ, रीना का था। ये जेवर? जी हाँ, उसी के हैं, यानी उस गुंडे ने। ठहरिए, कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए, अपने जेवर संभाल लीजिए प्लीज, और जरा अपनी जगह पर चले जाइए प्लीज। यस, दैट्स राइट। रहमान साहब, जरा इसे पहचानिए, ये 9 लाख का हार क्या आपकी बेगम का है? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने मुझे हार दे दिया, खुदा आपको सलामत रखे। तो इसका मतलब है ये उसी ने? थोड़ी देर इत्मीनान रखिए। मिसेज लालचंद, आपने कहा था कि आपके 2 लाख रुपए चोरी हो गए, जो कि आप समझती थी कि आपके देवर ने चुराए हैं। ये पैसे, ये 2 लाख रुपए हैं, इसे आप संभाल लीजिए। लेकिन? लेकिन नहीं, थोड़ी देर में। ठीक। धनराज जी, यही वो बैग है जिसमें 10 लाख रुपए लेकर गए थे इस छोटी सी बच्ची को बचाने के। हाँ हाँ, तो इसका मतलब किडनैपर पकड़ा गया? समझिए, पकड़ा ही गया। लेकिन सैम साहब, दीदी की बेटी का किडनैपर है कौन? अच्छा सवाल है, और मुझे खुशी है कि यह सवाल आपने पूछा। थोड़ा सा रास्ता देंगे। छोड़ दो इसे, पहचानिए इसे, मिस्टर संदीप, चोर, उचक्का, बदमाश, खूनी और किडनैपर। संदीप, तू? और आपका मैनेजर। तूने मेरी दीदी की बेटी को भी? नो 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 वायलेंस इन द पुलिस स्टेशन प्लीज, एब्सोल्युटली नो वायलेंस। नहीं नहीं सैम साहब, ये मेरी बीबी का कातिल कैसे हो सकता है? मेरी बीबी का कातिल तो ये है। ठहर जाइए, ठहर जाइए, मेरी बात सुनिए, आप गलत सोच रहे हैं, मेरे साथ आइए, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप याद कीजिए कि सबसे पहले
आपको शक किसने दिलाया उस गुंडे पर? एक गुंडा मेम साहब के पीछे पड़ा हुआ है क्या? आज तो उसने मेम साहब पे हाथ डाल दिया। कहिए याद आया, सबसे पहले शक इसने डाला था, रामू ने, आपके नौकर ने। और आप याद कीजिए रहमान साहब, उस बनिए पर शक आपके दिल में किसने डाला? इससे सावधान रहेगा। क्या मतलब? मतलब इसका सामान सामने वाले पड़ोसी सूद साहब के यहाँ भी जाता है, और कुछ दिन पहले उनके घर में गहने चोरी हो गए। क्या? जुम्मन ने। और आप याद कीजिए मिसेज लालचंद, आपको और आपके पति को सबसे पहले आपके देवर के खिलाफ भड़काने वाला कौन था? साहब कल जब आप घर पर नहीं थे तब छोटे साहब ने वो पैसे निकाले। ये गोविंद। और आप याद कीजिए धनराज जी, आपको कौन डरा रहा था बार बार ये कहकर कि किडनैपर को पैसा दे दीजिए वरना वो आपकी बेटी को मार देंगे? आपका ये नौकर। अब आप सब लोग याद कीजिए कि इन नौकरों को आपके घरों में किसने रखवाया था? संदीप ने। जी हाँ, संदीप ने ही। हाँ, इसी ने। राइट। संदीप, ये आप लोगों के घरों में आ जाता था रवि कौशल के जरिए। आप तो जानते हैं कि इस शहर में नौकरों की कितनी कमी है। ये मददगार बनकर आपके घरों में आ जाता था और नौकर रखवा कर चला जाता था। नौकरी दिलवाने से पहले ये नौकरों को ट्रेनिंग देता था कि कैसे अपने मालिकों का भरोसा जीता जा सके और कैसे चोरी करने से पहले, जुर्म करने से पहले उनके दिमाग में शक किसी और के ऊपर डाला जा सके। यही इस रामू ने आपके साथ किया। आपका शक उस गुंडे पर डाल दिया और आप चल दिए उस गुंडे से झगड़ा करने के लिए, और अगले ही दिन इसने। रामू, ये तू क्या कर रहा है? हमारा वफादार नौकर होकर ऐसे चोरी कर रहा है तू? रामू, रामू, ये क्या कर रहा है तू? यही है खूनी बख्शी साहब, यही है चोर। भिंडे, पकड़ो इसे, ये तुम्हारा कल्प्रेट नंबर वन। और ये भोली भाली सूरत वाला चुम्मन। भिंडे, ये कल्प्रेट नंबर टू। चल बे, निकल। और अब आगे की बारी गोविंद की। गोविंद की चोरी करने की बारी। तू यहाँ क्या कर रहा है? इधर आ, इधर आ। क्या है तेरे हाथ में? दिखा, दिखा। ए? इसका मतलब तू चोर है? यानी तूने मेरे भाई पे गलत इल्जाम लगाया, जिसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया। उठ, उठ। मैं तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। चल, भाई को छुड़ा कर वापस लाऊंगा। चल। भिंडे, कल्प्रेट थ्री। और इस छोटी सी बच्ची को किडनैप करवाया था इस रमेश ने। ये लीजिए। ला। मैंने इसे अफीम खिला दी है, 3 घंटे तक सोती रहेगी। अब आप जल्दी से निकल जाइए, मालिक देख लेंगे। पकड़ो इस चौथे कल्प्रेट को। एक जमाना था भिंडे कि आदमी जिसका नमक खाता था जिंदगी भर के लिए उसका हो जाता था, लेकिन देखो इन लोगों को, जिसका नमक खाते हैं उसी के साथ नमक हरामी करते हैं। लेकिन इसमें कसूर आप लोगों का भी है। पुलिस ने जब आपको ये सुविधा दे रखी है कि जब भी आप नया नौकर रखें तो उसकी तस्वीर, उसका आता पता, उसका अगला पिछला थाने में दर्ज करवाएं ताकि वो आपको वार्न कर सके कि उसका पास्ट क्या है, और वो भी डरे कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात करे तो पुलिस उसको पकड़ सकती है।
तो क्यों नहीं आप इस फैसिलिटी का फायदा उठाते? सही है। बाकी बात यह है कि हम तो सिर्फ आपको आगाही कर सकते हैं, हमारी बात को मानना न मानना आपके हाथ में।